हॉलीवुड फिल्म में देखिएगा दो चीज की बहुत वैल्यू होती है, कभी हाई मशीन कभी वो मशीन, और उसमें हीरोइन की वैल्यू ज्यादा रहती है। इंडिया में तो हीरोइन को बस इसलिए लाते हैं कि नाचे उचेगी, बस उसको लाइन मार के पटाएगा, ओ ससुरी फंस जो फंस जाएगी, फिर कोनो बीच में आएगा मारेगा उसको ससुरी, हमरी वाली काय नहीं करता है तुम भागो दादा। लॉस एंजिलॉस में किस खन कौन सा खनिज निकलता है बताइए, लोहा या कोयला? लॉस एंजिलॉस में क्या निकलता है, लोहा या कोयला? हाँ वेरी गुड, पेट्रोलियम निकलता है, वेरी गुड। कुछ बोल रहा है लोहा, कुछ बोल रहा है कोयला, कोई बोलता है डायनामाइट, राइट बकलोल, पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोल के लिए फेमस है। अरे गधो, हम आपसे कहेंगे कि आप गधा है कि भैंस, तो क्या कहेंगे कि भैंसे ठीक है सर, भैंस है, ऐसा थोड़ी होता है बकलोल कहीं का, गधा है कि भैंस। ये सब गलती केवल हिंदी मीडियम वाला करता है सर, सीबीएसई वाला ये सब मैटर पे बहुत होशियार रहता है सर, सब कुछ कुछ मैटर पे सीबीएसई वाला होशियार है सर, और कुछ कुछ मैटर पे हिंदी वाला होशियार है सर। चलिए, ये पेट्रोल के लिए फेमस, सिलिकॉन वैली के लिए, इसमें लॉस एंजिलॉस जो है पेट्रोलियम निकलता है, फिल्म उलिम बहुत बनती है हॉलीवुड, हॉलीवुड फिल्म में देखिएगा दो चीज की बहुत वैल्यू होती है, एक वहां मशीन बहुत ज्यादा यूज होगा, कभी हाई मशीन कभी वो मशीन कभी ये कभी वो मशीन, और उसमें हीरोइन की वैल्यू ज्यादा रहती है, हीरो का वैल्यू ज्यादा नहीं रहता है। इंडिया में तो हीरोइन को बस इसलिए लाते हैं कि नाचे उचेगी बस, और उसका कोई काम नहीं रहता है, चाहे वो देवसेना हो चाहे कोई भी हो, बस उसको लाइन मार के पटाएगा, ओ ससुरी फंस जो फंस जाएगी, फिर कोनो बीच में आएगा मारेगा उसको ससुरी, हमरी वाली काय नहीं करता है तुम भागो दरिया में, भागो यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो। इंडिया में हीरोइन को बस दो ही वजह से लाते हैं, एक नचाने के लिए और एक तो लव स्टोरी दिखाने के लिए, बाकी वो हीरोइन ना मार करेगी ना कुछ। हाँ देहात भोजपुरी फिल्म की भोजपुरी में हीरोइन लाता है सब, जाता है गांव में से भाभी उठा लाया, मोटा मोटे यार भाभी चल नाच दो यहाँ पे। लेकिन हॉलीवुड में देखिएगा तो वहां लड़का कुछ नहीं करता, ओ माय गॉड व्हाट दिस, लड़कियां खूब खतरनाक रहेगी ये मतलब वहां लड़की होशियार होती है, लड़का भोदा होता है, और इंडिया में मतलब उसी का उल्टा होता है, मतलब हम ये थोड़ी करेंगे यहाँ लड़की भोदा होती है, मतलब आप समझ रहे हैं वहां गजब चीज होता है। हॉलीवुड देखिएगा तो मशीन दिखाएगा, महिला दिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया लॉस एंजिलस हॉलीवुड के लिए, ऑस्कर अवार्ड वगैरह फेमस है यहाँ का। साल्ट लेक मिला कि नहीं मिला? हाँ भाई ग्रेट साल्ट लेक, अरे ग्रेट लगाने में क्या जाता है यार, खान सर बोलो या ग्रेट खान सर बोलो, बात बराबर है, ग्रेट लगा दो किसी चीज में, नीचे जो है तनी सा पंछुछुर नदी जा रही है, छोटकी पंछुछुर नदी निकल रही है, आइए तन सा कोलोराडो नदी, पंछुछुर जो नदी जा रही है कोलोराडो नदी, अब ये नदी बूढ़ी हो चुकी है, ये जो कोलोराडो नदी है अब ये बूढ़ी हो चुकी है, जब ये नदी अपने युवा अवस्था यानी जब ये जवान थी तो ये ससुरी पूरा पहाड़ काटी है, पहले ही नदियां ऊपर से जाती थी, ऐसे ऊपर से जाती थी, जहां ये बकलोलवा खड़ा है देखिए गिरेगा ससुराई में, यहां से जाती थी, जब ये जवान थी तो खदड़ खदड़ के काट कूट के ये पहाड़ को रद्द कर दी है ये नदी, और नीचे चली गई है, सोच सकते कितनी खचरी नदी थी ये, इसी गड़ाहवा को कहते हैं ग्रैंड कैनियन, जिसमें ये कूदने की तैयारी कर रहा है, बकलोलवा कूदेगा इसमें, समझ में आ गया, ये ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है, व्हाट इज ग्रैंड कैनियन? ग्रैंड कैनियन इज वेरी बिग साइज ऑफ गड़ाहा मेड बाय कोलोराडो रिवर इन यूएसए, अंडरस्टैंड? बकलोलवा, ये बकलोलवा को कल दिखाए थे हम। अटलांटा आप बताइए किस लिए फेमस है? रुपेश कुमार वेरी गुड, कोको कोला के लिए, अटलांटा कोको कोला के लिए, और वर्जीनिया तंबाकू के लिए, एको तंबाकू होता है ना, देखिए हिंदी मीडियम वाला तो बीड़ी पी लेता है, सही से बीड़ी पी के फेंक देगा सर, और थोड़ा सा पैसा वाला हो जाएगा तो सिगरेट, और जो आईसीएसई बोर्ड का होता है ना, आईसीएसई बोर्ड का एको हत्ते बड़ का चैली सूखता है सही से, उसको सिगार बोलता है सर, वो आईसीएसई बोर्ड वाला पीता है सर, वो और खतरनाक होता है, सिगार चैली रख ले रहता है सिगार पीता है सर, आईसीएसई वाला, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो और खतरनाक होता है सर, दूसरे गोला का है सर,
आगे बढ़े बहुत ज्यादा देते थे। पेटियां होती थी, बिस्तरे, बर्तन, बड़ी का सामान भी, पता नहीं रिश्तेदारों के कपड़े क्या। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।